बाबू कौन क्या बात है भाई तुम पूछते हो मैं कौन हूँ तो सुनो मैं इस देश का भागा नागरिक हूँ और ये सभी लोग मुझे पागल कहते हैं लेकिन तुम तो पागल नहीं लग रहे हो बहुत सुंदर बहुत सुंदर और तुम जैसे नौजवान मुझे पागल नहीं समझते लेकिन समाज के दहेज खोर लोगों मुझे पागल मत समझा क्योंकि इन्हीं भेड़ियों ने मुझे पागल बनाया है पासपोर्ट किधर है देश के नागरिक जो चार चार लड़कियों के पिता है अगर पागल नहीं हुआ तो हिंदुस्तानी कहलाने का उसे कोई हक नहीं नाटक नाटक डांसर है क्या क्या मैं गलत कह रहा हूँ मेरे ख्याल से तुम पागल नहीं लगते हो शायद तुम बिल्कुल ठीक कहते हो लेकिन तुम्हारी यह हालत किसने की बहुत लंबी कहानी है बाबू क्या है बाबू एक समय था जब मैं भी इन अच्छे व्यक्तियों में गिना जाता था परंतु यह मेरा दुर्भाग्य है जो मुझे चार लड़कियां थी सारी जमीन जायदाद बेचकर तीन लड़कियों की शादी हमने कर ली बाबू सबसे छोटी लड़की शादी मैं नहीं कर सका हमने दे दी सिर्फ एक मकान था और एक लड़की मकान बेचकर 3-4 लाख रुपए हुए जो हमने उन दहेजखोरों को दे दिया लेकिन बाबू बाकी के 5 लाख रुपए विवाह मंडप पर देने की बात थी बाबू ओ कैसे कैसे लोग होते हैं मुझे हंसी आती है बाबू
जी में आता है इंदौर कौन भेड़िया को एक एक को गोली से भून दूं। और बैठ जाओ सोली पर। शायद तुम नहीं जानते बाबू इस समाज में ऐसे ऐसे भेड़िए हैं जो जो मानव की खाल में छिपे हुए हैं। और जानते हो बाबू इन भेड़ियों ने धन धर्म और जान तीनों ले लेते हैं। जानते हो बाबू हजारों लड़कियां दहेज के कारण हमारे समाज में कुंवारी रह जाती है बाबू। और भरे बाजारों में बेसियालियों में कई लड़कियां अपनी असमत की सौदा करती हैं मजबूर होकर। मैं सारी संपत्ति अपनी बेच कर भी सिर्फ तीन लड़कियों की शादी कर पाया। एक लड़की की शादी मैं नहीं कर सका बाबू मैं नहीं कर सका। लेकिन क्यों नहीं कर सके? बहुत खूब। अरे बाबू लड़की वालों के दिलों में क्या क्या अरमाने होती है जानते हो? तुम नहीं समझ सकते बाबू। मेरे पास सिर्फ एक मकान बचा था बाबू, उसे बेचकर 5 लाख रुपए पहले दे दिए थे, लेकिन विवाह मंडप पे 5 लाख रुपए और देने थे बाबू और वो मैं नहीं दे सका। बारात मेरे दरवाजे से वापस हो गए बाबू और मेरी बेटी गंगा में कूद कर अपने जाने। और मेरी पत्ते वह भी जहर खा के मर गए बाबू। मैं अब आगे न मर सका। और न जी सका बाबू और न जी सका। लेकिन तुम तो जी रहे हो। हाँ बाबू उन दहे घोर भेड़ियों का जनाजा उठाने के लिए लेकिन अब सरकार ने दहेज लेने देने वालों को अपराध घोषित कर दिया है। यह तो बहुत बुरा हुआ बाबू। क्या बुरा हुआ? दहेज खोरों के कफन के लिए पैसे कहां से आ गए पैसे? आ
तुम नहीं जाओ, अब मेरा एक ही अरमान है उन गोरियों का विवाह रचा कर सुख के नींद से सो जाऊं। ए देखो कुत्तों, उसमें हो बहू बेटियों की इज्जत करो और बेटियों की शादी बगैर दहेज की करो। बहुत खूब जोरदार।